हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज बनाने जा रही हूँ गोभी आलू की बहुत ज़्यादा टेस्टी तीखी चटपटी सब्जी। फ्रेंड्स, आज मैं इसको ढाबा स्टाइल में बना रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आप इस सब्जी को कभी बना के खा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले ली है गोभी। तो मैंने यहाँ पर ये आधा गोभी ली है। गोभी को मैंने इस तरह से देखिए टुकड़ों में काट लिया है और अच्छे से मैंने गोभी को गर्म पानी में धोया है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत गंदगी वगैरह होगी वो निकल जाएगी। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ले लिए थे 2 से 3 आलू। आलू को मैंने छिलका निकाल के इस तरह से कट कर लिया है। तो आप इसको जिस साइज शेप में काट सकते हैं। अब हम इसके लिए बाकी की चीज़ें देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले ली थी 1 मीडियम साइज की प्याज। प्याज को मैंने इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। साथ ही साथ 4 से 7 लहसुन की कलियाँ, 1 अदरक का टुकड़ा और 1 बड़े साइज का टमाटर लिया है, जिसको मैंने इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सभी चीज़ों को हमें पेस्ट बनाना है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ले ली है 1 इस तरह से बारीक कटी हुई प्याज और 1 मैंने यहाँ पर ले ली है हरी मिर्च। इनको भी हम बाद में यूज करेंगे। तो इनको हम इस तरह से पहले साइड से रख देते हैं, बस इनको हमें काट के रखना है। बाकी की चीज़ों का हम पेस्ट बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें हम ये सबसे पहले ये प्याज को डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर प्याज डाल दिया है, साथ ही साथ लहसुन की कलियाँ और अदरक को भी डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बिना पानी डाले हम इसका एक पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसका एक पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। बिल्कुल भी पानी इसमें ना डालें। अब हम क्या करेंगे, सारे मिक्सर को हम एक बाउल में निकाल देते हैं। तो इसको मैंने बाउल में निकाल दिया है, इसको हम साइड से रख देते हैं। तो सेम जार में हम टमाटरों का भी पेस्ट बना लेते हैं। तो टमाटरों को भी मैंने डाल दिया है इसमें। तो जार कड़कन बंद करके इसका भी हम पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये टमाटरों का भी पेस्ट बना लिया है। तो मैंने यहाँ पर दोनों तरह के पेस्ट बना के तैयार कर लिए हैं। तो सारी हमारी तैयारी हो चुकी है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। अब हम रखेंगे यहाँ पर गैस ऑन करके कढ़ाई, और इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ये 1 चम्मच ऑयल। 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो मैंने यहाँ पर जो गोभी और आलू लिए हैं उनको हम इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो क्या हुआ कि सब्ज़ी हमारी जो है बहुत ज़्यादा ऑयली बन जाएगी। तो आप इसमें सिर्फ 1 बड़ा चम्मच ऑयल का ही डालें और अच्छे से हम गोभी और आलू को मिक्स करते हुए हमें फ्राई करना है। हमें इनको जब तक फ्राई करना है जब तक कि थोड़े से कुक ना हो जाएं और इनके ऊपर एक बढ़िया सी लेयर ना आ जाए, कोटिंग ना हो जाए हल्की सी क्रंची जैसी, इतना हमें इनको फ्राई करना है। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर गोभी और आलू को मैंने लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है, एकदम बढ़िया सी कोटिंग हो चुकी है हल्की सी, और ये जो गोभी आलू है वो हल्के से कुक भी हो चुके हैं। देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कि आलू काफ़ी अच्छे से कुक हैं, और गोभी को तो पकने में ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो सारे गोभी आलू को मैंने निकाल दिया है। उसी कढ़ाई में जो ऑयल बचा हुआ है उसी में हम इसकी सब्जी बना लेते हैं। तो हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, ऑयल गर्म है पहले से ही। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे हींग, इनको हम थोड़ा सा इसमें फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े डालेंगे बहुत ही छोटे से, इनको भी हम इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर जो प्याज हरी मिर्च को काट के रखा था उनको डाल देंगे। तो पहले हम हरी मिर्च को डाल देते हैं और साथ ही साथ हम इसमें प्याज को डाल देंगे। इस तरह से जब आप सब्जी बनाएंगे ना, तो आपकी जो सब्जी है बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगी। आप एक बार इसको बना के जरूर देख लेना। अब हम क्या करेंगे, प्याज को अच्छे से हमें गोल्डन ब्राउन करना है, तो इसी तरह से हम लगातार चलाते हुए इसको अच्छे से गोल्डन कर लेंगे, क्योंकि अच्छे से प्याज को गोल्डन करना ज़रूरी है, तभी हमारी सब्जी अच्छी बनके तैयार होगी। ये देखिए, प्याज में जो अच्छा सा कलर आ चुका है, एकदम बढ़िया से हल्की सी गोल्डन भी हो चुकी है ये। अब हम क्या करेंगे, साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये तीखी कम होती है बट इससे सब्जी में कलर बहुत अच्छा आता है। 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर। 1/3 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। जो नॉर्मल हम लाल मिर्च यूज करते हैं अपने घर पर वही डाल रही हूँ। अगर आपके पास नॉर्मल मिर्च नहीं डालना चाहते हैं तो 1 चम्मच आप कश्मीरी लाल मिर्च का भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया का पाउडर। इसको भी अच्छे से हम मिला देते हैं इसमें।
सारे मसालों को हम कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। इस तरह से जब आप सब्जी बनाएंगे तो आपकी सब्जी का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अब हम जो प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था ना, उसको डाल देते हैं इसमें। अच्छे से हम इसको मिला देंगे, इससे क्या होगा कि मसाले भी नहीं जलेंगे हमारे। तो इसी टाइम पे आपको डालना है और अच्छे से हम प्याज को कलर चेंज होने तक इसमें थोड़ा सा ऑयल रिलीज ना होने लगे, जब तक हमें इसको इस तरह से लगातार चलाते हुए पका लेना है। इसी तरह से हमें इसको पका लेंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि प्याज लहसुन अदरक जो हमने डाले हैं बाद में काट के जो पेस्ट बनाया था उनका कच्चापन इसमें से निकल जाए। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि साइड से इनमें से ऑयल निकलने लगा है, यानी कि अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम जो टमाटरों का पेस्ट बना के रखा है उनको भी डाल देंगे। अब हमें टमाटरों को अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम टमाटरों सारे मसालों को जब तक पकाएंगे, जब तक कि इनके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ना दिखने लगे, तो इसी तरह से बस हमें इसको लगातार चलाते हुए पका लेना है। जैसे इनके ऊपर थोड़ा सा ऑयल दिखने लगेगा तो आप समझ जाएं कि टमाटर और मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पर हमें टमाटरों को पकाना है। तो ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि साइड से थोड़ा सा ऑयल निकलने लगा है इसमें से, और इनका कलर भी चेंज हो गया है, यानी कि टमाटर और मसाले जो हमने सारी चीज़ें डाली हैं वो सारी चीज़ें इसमें अच्छे से पक चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम जो फ्राई की हुई गोभी और आलू है वो डाल देंगे। साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भर के नमक डाल दिया है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से मिक्स करते हुए हम इनको 1 मिनट के लिए इसी तरह से पका लेते हैं। इस तरह से सब्जी के ऊपर बढ़िया सा कलर आ जाता है। और इसमें जो हमने तेजपत्ता डाले हैं उनको हम निकाल देते हैं, क्योंकि इनका फ्लेवर इसमें ऑलरेडी आ चुका है। अच्छे से मैंने देखिए इनको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। इनका कलर देख सकते हैं आप, कितना बढ़िया कलर आया है। तो अब हमें इनको बहुत ज़्यादा पकाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 50 से 60% कुक हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको हम इसमें, अगर आप पतली ग्रेवी चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं और आप इसकी पतली ग्रेवी बना सकते हैं। बट मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल सूखा बना रही हूँ बिना पानी डाले। तो हम इसको बस इसी तरह से कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि थोड़ा बहुत आलू कच्चे होंगे तो वो पक भी जाएंगे। ये देखिए, बिना पानी डाले बस मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। अब आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया इनमें कलर आ चुका है। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसको फिर से कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए और पकने देते हैं, जिससे कि आलू पूरी तरह से कुक हो जाए। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इनको फिर से 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आलू अच्छे से पके हैं कि नहीं, गोभी भी अच्छे से पक गई है कि नहीं। तो ये देखिए, आलू गोभी काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके हैं गोभी आलू, बिल्कुल भी कच्चापन नहीं है। अगर आपको थोड़े बहुत कच्चे लगे तो आप इनको थोड़ा सा और भी पका सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। थोड़ी सी हम इसमें डाल देते हैं फ्रेश धनिए की पत्तियाँ। अब हम इनको भी अच्छे से मिला देते हैं इसमें। अच्छे से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे इसमें, और ये हमारी बहुत ज़्यादा टेस्टी एकदम मसालेदार तीखी चटपटी सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। लग रही है ना बिल्कुल ढाबे के जैसी। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार सब्जी को जरूर ट्राई करके देखना। आप इस सब्जी को रोटी, पूरी, परांठे, चावल किसी के साथ भी खाना, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। तो अब हम इस गैस को ऑफ कर देते हैं, उसको एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए, गर्मा गर्म सब्जी हो गई है सर्व करने के लिए तैयार। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।